हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द कॉस्मेटिक्स सो कॉस्मेटिक इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ए फार्मास्यूटिक्स इन दैट इन टूडेज लेक्चर इन पार्ट वन वील डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कॉस्मेटिक्स देयर क्लासिफिकेशन इन्ग्रीडियंट्स विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन एंड देयर Formulations. So let's start in this video lecture. Now you can use our mobile application also. So download the PharmaRocks Android application on Google Play where you can find the various test series for GPED, niper DI, and Pharmacist exam. Also, video lectures are available on our mobile application, and you can also get the study material for pharmacist, GPED, DI, and NIPER exam.

ओके okay? uh, सबसे पहले ये टर्म डिराइव किया गया फॉर द कॉस्मेटिक्स कि वो वर्ड है कॉस्मेटिकोस उसका मतलब होता है स्किल है एक प्रकार की टू डेकोरेट ओके और यहां पे डेकोरेशन किसका होगा इट इज़ अबाउट द वेरियस अवर बॉडी पार्ट्स लाइक फेस लिप्स अवर स्किन एंड अवर हेयर तो जो कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन होती है मेनली फॉर फेस लिप्स स्किन एंड अवर है कॉस्मेटिको पर से आपको पता चल गया स्किन स्किल टू डेकोरेट थर्स द कॉस्मेटिक इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू लुक ब्यूटिफुल सो सुंदर दिखने के लिए जो भी हम कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन यूज करते हैं मतलब कि एक प्रकार का ऐसा आर्ट है ओके, टू डेकोरेट योर सेल्फ की जैसे हम अलग अलग चीज को डेकोरेट करते हैं कि समझो कि आ, आ, कार को डेकोरेट करते हैं बाई यूजिंग वेरियस एसेसरीज इसी तरह से हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं ऐसे हमारी जो बॉडी है उसको भी डेकोरेट करने के लिए हम अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस यूज करते थे जैसे कि नेल्स के लिए नेल पेंट यूज की जाती है लिप्स के लिए लिपस्टिक होती है देन फेस uh, पे अलग अलग टाइप की क्रीम्स पाउडर्स लोशन लिनिमेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं ओके सो दीज ऑल आर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉट इज द डेफिनेशन सो एग्जाम के अंदर कई बार ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन द कॉस्मेटिक एज पर डी एन सी एक्ट सो कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल मीन टू बी ड्रॉब्ड पोर स्प्रिंकल स्प्रे ऑन और इंट्रोड्यूस इन टू और अदरवाइज अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फॉर क्लींजिंग ब्यूटिफाइंग प्रमोटिंग एट्रेक्टिवनेस और अल्टरिंग एपियरेंस एंड इंक्लूड एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ ए यूज एज ए कंपोन ऑफ ए कॉस्मेटिक अब इसको इजिली समझते हैं ये डेफिनेशन को कि कोई भी ऐसा आर्टिकल मतलब कि कोई ऐसी प्रिपरेशन कि जो बनाई जाती है रब करने के लिए या फिर पोर करने के लिए स्प्रिंकल करने के लिए मतलब कि आप बॉडी पे उसको स्प्रिंकल करते हो या फिर स्प्रे करते हो अब रब करने के लिए अंदर आ जाएगा हम एग्जाम्पल देखे तो कोई क्रीम कि आप कोई क्रीम है लोशन है वो आपकी स्किन ऊपर रब करते हैं पोर किया जाता है इन वेरियस बॉडी कैविटीज ओके देन स्प्रिंकल्ड की मतलब कि आप जो पाउडर स्प्रिंकल करते हो आपके बॉडी पे ओके okay? जो फेस पाउडर्स होते हैं देन अलग अलग जो डर्मिकूल पाउडर जो हम कहते हैं देन स्प्रेड स्प्रे के अंदर डिओड्रंट्स uh, आ सकते हैं ओके okay? फिर परफ्यूम आ सकता है देन ऑल्सो द हेयर स्प्रे आते है कि जो हेयर के ब्यूटिफिकेशन के लिए हेयर स्प्रे भी आते हैं सो दिस ऑल आर द कॉस्मेटिक तो रब किया जाता है पोर किया किया जाता जाता है है स्प्रिंकल या फिर उसको स्प्रे बॉडी के ऊपर या फिर इंट्रोड्यूस इन टू अवर बॉडी एंड अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट पे उसको अप्लाई किया जाता है फॉर क्लिनिंग ब्यूटिफाइंग एंड प्रमोटिव प्रमोटिंग एट्रेक्टिव और अल्टरिंग एंड इंक्लूड एनी आर्टिकल इंटेंडेड फॉर यूज एज ए कंपोनेंट ऑफ़ ए कॉस्मेटिक जिसको हम कहेंगे कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सो ये हो गया डेफिनेशन आपको दो टाइप की डेफिनेशन लिख सकते हो एक जो सिंपल डेफिनेशन की जो कॉस्मेटिकोस वर्ड की इट मीन्स स्किल टू डेकोरेट की जो आपके पास स्किल है टू डेकोरेट योर बॉडी और टू डेकोरेट योर सेल्फ टू लुक ब्यूटीफुल की जो सुंदर दिखने के लिए आप आपकी बॉडी को या फिर आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जो डेकोरेट करते हो और उसके लिए रिलेटेड जो स्किल है जो आर्ट है उसको कहा जाता है कॉस्मेटिक और उसके लिए ये स्पेसली अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपेरेश जिसको हम मेकअप किट भी कह सकते हैं ओके की जो मेकअप करने के लिए जो किट होती है पूरी उसके अंदर जो भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सबको हम कॉस्मेटिक्स के अंदर में रखेंगे सो दिस इज द सिंपल टू डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक अब देखते हैं ये आपके लिए पॉइंट एक इंपॉर्टेंट सोप इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ओके कॉस्मेटिक्स के अंदर इंक्लूड uh, नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज फॉर द हाइजीन ओके नॉर्मल जो हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आता है सोप सो इट इज नॉट कवर अंडर द कॉस्मेटिक क्योंकि जो आपकी बॉडी की जो हाइजेनिसिटी हाइजेनिक कंडीशन में सोप यूज करते हैं सो इट इज नॉट कवर अंडर द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो एम सी क्यू में पूछा जाए तो आप सोप को कॉस्मेटिक में से एक्सेप्शन uh, में रख सकते हो क्योंकि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर कम अंडर द कॉस्मेटिक्स एक्सेप्ट तो वो एक्सेप्शन रहेगा सोप सो so, अब देखते हैं पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स तो सबसे पहले कॉस्मेटिक फॉर द स्किन स्किन के लिए जो हम अलग अलग कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज करते हैं तो सबसे पहले आएगा ये लिपस्टिक ओके okay? कि जो लिप्स को डेकोरेट करने के लिए जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज होती है कि जो लिप्स uh, की जो स्किन है उसको डेकोरेट करके जो लिप्स को सुंदर देखने के लिए जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो हो गया एक कॉस्मेटिक प्रिपरेशन फॉर लिप्स कि वो भी एक होता है फॉर द स्किन और वो है लिपस्टिक उसके बाद ये है क्रीम्स क्रीम्स में अलग अलग प्रकार की जो क्रीम्स होती है लाइक कोल्ड क्रीम आप यूज करते हो ओके वेनेसिंग क्रीम होती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है ओके अलग अलग टाइप के क्रीम्स फिर फेस पाउडर ओके कि जो फेस पाउडर आप यूज करते हो एंड लास्ट में ये लोशन की जो बॉडी लोसन यूज किए जाते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन जो स्पेशली मॉइस्चराइजर uh, के के तौर पे पे या फिर आप कोई बॉडी भी पार्ट पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो टू प्रोवाइड द मॉइस्चर एंड टू ट्रीट द ड्राई स्किन कि ड्राई स्किन होती है विंटर के सीजन में तो उसके ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोशन uh, या फिर कोल्ड क्रीम वगैरह यूज करते हैं कॉस्मेटिक फॉर स्किन सो सबसे पहले है कॉस्मेटिक फॉर स्किन जिसके अंदर क्रीम लाइक कोल्ड क्रीम वैनिसिंग क्रीम लोशंस के अंदर है सनस्क्रीन लोशन, पाउडर्स के अंदर फेस पाउडर एंड कलर के अंदर लिपस्टिक एंड रग सो मेनली कलर भी है स्किन मतलब कि जो लिप्स को डेकोरेट करने के लिए अलग अलग कलर उसको ग्लोसी या फिर मैट अपियर देने के लिए आप लिपस्टिक यूज करते हो एज अ कलर अब सेकंड कॉस्मेटिक से कॉस्मेटिक फॉर द हेयर तो उसके अंदर आता है एक हेयर रिमूवर जिसको हम डेपिलेट्रि कहते हैं कलर कि हेयर डाई हेयर कलर डाई हेयर के लिए एज वेल एज फॉर द आईब्रो की आईब्रो के लिए ये जो आईब्रो पेंसिल्स वगैरह यूज होते हैं आई लाइनर्स यूज होते हैं आई लेसेस प्रिपेरेशन मस्करा देन शैम्पू द हेयर वॉश एंड हेयर रिमूवल के लिए डेपिलेटरी सो दिस इज द क्लास क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन फॉर द हेयर के जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज दैंपू प्रिपेरेशन टू शैंपू येयर की जो आप हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू यूज करते हो फिर आ, जो आईब्रो पेंसिल्स आती है तो ये भी एक प्रकार के कॉस्मेटिक हुए फॉर द हेयर फिर आई के लिए मस्करा वगैरह यूज होता है आई प्रिपरेशंस यूज होती है एंड लास्ट में हम देख सकते हैं ये हेयर रिमूवल क्रीम्स की जो अंडर आर्म्स जो मेनली या फिर फेस लेग्स वगैरह के जो हेयर रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम्स जो है वो यूज की जाती है तो वो कही जाती है डेपिलेटरिस प्रिपेरेशन तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन फॉर द नेल इन दैट नेल लेकर प्रिपेरेशन नेल लेकर रिमूवर एंड क्यूटिकल रिमूवर सो ये जो कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन है फॉर द ब्यूटिफिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट अवर नेल ये जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन मेनली हम यूज करते हैं टू डेकोरेट अवर नेल तो ये हो गई polish का shade आपको चेंज करना है तो उसके लिए जरूर होता है नेल लेकर रिमूवर की ये जो सेड है उसको आप कंप्लीटली रिमूव करोगे बाई यूजिंग नेल लेकर प्रिपेरेशन और वहां पर कोई दूसरा कलर का शेड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं

हाइजीन प्रोडक्ट्स ओके कि जो हम डेंटल हाइजीन के लिए एंड फॉर बॉडी हाइजीन के लिए हम यूज करते हैं सो बाथ जेल फिर डेंटल हाइजीन के लिए हम माउथवाश टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं सो दिस इज़ द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो शॉर्ट नोट पूछा जाए कि ब्राइटे शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक तो सभी के बारे में आपको डिटेल में समझाना है अब आगे बढ़ते हैं विच आर द इंग्रेडियंट्स ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन की कौन से इंग्रेडियंट्स हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले है वाटर कि जो एक मेन चीफ इंग्रेडियंट है ऑयल फैट एंड वैक्स ह्यूमिक ऐड किए जाते हैं सरफेक्ट टंट परफ्यूम्स हर्बल और प्लांट मटेरियल फंक्शनल रॉ मटेरियल्स कलर्स एंड पिगमेंट तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मेन की इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन तो वाटर जो उसका मेन है कि वो एज अ व्हीकल आप यूज करते हो इन एनी फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस ऑयल फैक्स ऑयल फैट्स वैक्स वगैरह जो उसके मेन बेस होते हैं कि जो कॉस्मेटिक का कोई भी समझो कि क्रीम बनाते हो आप ओके okay, कोई लोशन बनाते हो उसका जो मेन बेस जो तैयार होता है वो होता है बाय यूजिंग वेरियस ऑयल्स फैट्स एंड वैक्स मटेरियल तो सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे हम में हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वॉटर सो वॉटर फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन इट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन जब भी आप कोई कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले जरूर पड़ती है आपको वॉटर की सो स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द प्यूरिटी ऑफ वाटर एंड यूज सो प्योर वाटर शुड बी यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक अब जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का वाटर यूज किया है ओके कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक प्रिपरेश उसकी स्टेबिलिटी एंड उसकी क्वालिटी वो दो चीज पर डिपेंडेंट है एक तो आपका इन्ग्रेडियंट्स और इंग्रेडियंट्स में मेन चीफ इंग्रेडियंट है वाटर क्योंकि समझो कि आप कॉन्टामिनेटेड वाटर यूज करोगे इस तरह से तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगी उसके अंदर भी आ, कोई भी टाइप का कॉन्टामिनेसन आने के चांसेस है लाइक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस है ओके देन आ, वाटर हार्ड होगा ज़्यादा तो फॉर्म क्रिएट होने में प्रॉब्लम्स हो गए कि समझो कि आपको शैम्पू प्रिपरेशन बना रहे हो ओके या फिर फेस वॉश ऐसी कोई प्रिपरेशन है तो उस वक्त आपको प्रॉपर प्योर वाटर चाहिए टू मैन्युफैक्चरिंग एनी कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन सो आपको दो चीज याद रखनी की जो भी आप वॉटर यूज करते हो फॉर कॉस्मेटिक इट मस्ट बी अ प्योर वाटर और प्योर वॉटर के लिए उस आप क्या करोगे सो प्योर वाटर ऑन लार्ज स्केल कैन बी मैन्युफैक्चर बाय एनी ऑफ मेथड मैंसन बिलो तो आपने डायग्राम पर से तो पहचान लिया होगा कि एक आर ओ सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसके साथ है आयन एक्सचेंज सिस्टम डिस्टिलेशन टेक्निक एंड रिवर्स ऑस्मोसिस ये जो तीन टेक्निक्स हैं एक तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो आप ये हाँ देख सकते हो देन डिस्टिलेशन टेक्निक आती है कि स्टीम डिस्टिलेशन से आप प्योरीफाइड वाटर तैयार करते हो एंड एक है आयन एक्सचेंज सिस्टम के जिससे भी हम प्योर वाटर जो है वो तैयार कर सकते हैं सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रिपेरेशन ऑफ ए वाटर फॉर ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सेकेंड है वो है ऑयल फैट्स एंड वैक्स फॉर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। सो दीज आर यूज इन ऑफ़ क्रीम लोसन ब्रिलियंटाइन, हेयर ऑयल्स एंड लिपस्टिक प्रिपरेशन। ये हम देख सकते हैं कि ये जो वैक्स होता है ओके फैट एंड दीज आर द वेरियस ऑयल्स के जो हम वाइडली यूज़ करते हैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस बनाने के लिए और इसका रोल मेन होता है एज अ बेस कि हम कोई क्रीम बना रहे हैं तो क्रीम का जो बेस तैयार होता है मेन ओके okay? वो तैयार होता है बाय द ऑयल फैट एंड वैक्स ऐसे ही जो लिपस्टिक है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो लिपस्टिक के हम पर हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे उसके लिए इन्ग्रीडियंट ऑफ ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन दोर्स ऑफ ऑयल फैट एंड कैन बी मिनरल सोर्स एंड एनिमल सोर्स अब जो हम ऑयल फैट एंड वैक्स यूज करते हैं वो हमें दो टाइप से मिलते हैं एक तो मिनरल सोर्सेज से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं एंड दूसरा होता है एनिमल सोर्स से सो लेट्स चेक इन डिटेल अबाउट दिस इंग्रेडिएंट्स सो फर्स्ट सोर्स इट इज ए मिनरल सोर्स तो मिनरल सोर्स में मिनरल ऑयल के अंदर पैराफिन एंड पेट्रोलियम जेली तो आपने कई बार आपके फार्मास्यूटिक्स के लैब के अंदर लिक्विड पैराफिन यूज किया होगा कि वो है एक टाइप का मिनरल ऑयल एंड दूसरी है पेट्रोलियम जेली तो ये है मिनरल सोर्स में से हमें मिलते हैं आफ्टर दैट फ्रॉम द एनिमल सोर्स इट इज ए फैट एंड स्पर्मासेटी वैक्स तो ये जो वुल फैट है बीज वैक्स स्पर्मासेटी वगैरह हमें मिलते हैं फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस वेजिटेबल ऑयल्स यूज इन कॉस्मेटिक्स दे आर आलमंड ऑयल जो मेनली प्रिफर किए जाते हैं क्रीम्स के अंदर टू प्रोवाइड द मोलियन टैक्सन आफ्टर दैट अराचीस ऑयल मेनली हेयर ऑयल एंड ब्रिलियंट टाइम्स के अंदर एड किया जाता है आफ्टर दैट कैस्टर ऑयल कि जो लिपस्टिक के अंदर हेयर ऑयल फिर क्रीम एंड लोसन वगैरह के अंदर वाइडली एड किया जाता है एंड ऑलि ऑयल जो बाथ ऑयल्स के अंदर क्रीम्स एंड लोसन के अंदर एक चीफ इंग्रेडियंट होता है तो दीज आर द वेजिटेबल ऑयल्स विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेसन नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक लाइट लिक्विड पैराफिन इन बाथ ऑ ऑयल हेयर ऑयल लोसन क्रीम एंड ब्रिलियनटाइन के अंदर लिक्विड पैराफिन जो है वो ऐड किया जाता है एज अ मिनरल ऑयल ये कोई बाथ ऑयल हेयर ऑयल लोसन क्रीम ब्रिलियनटाइन वगैरह के अंदर लिक्विड पैराफिन हम यूज़ करते हैं फिर लिक्विड पैराफिन दो टाइप का होता है जो आपने कॉस्म मेनली सूटिक्स के लैब के अंदर देखा होगा कि लिक्विड लाइट लिक्विड पैराफिन और दूसरा होता है हैवी लिक्विड पैराफिन तो हैवी लिक्विड पैराफिन एज अ मेनली इमोलियंट हेयर ऑयल के अंदर लोशन क्रीम ब्रिलियंटाइन वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है फॉर्मूला कि आपको किस टाइप के प्रिपेरेशन बनाती है कैसी उसके अंदर प्रॉपर्टी चाहिए उसके बेस ऊपर आप हैवी पैराफिन लेना है या फिर लाइट पैराफिन लेना है वो आप चूज करते हो सो वैक्स फॉर द कॉस्मेटिक्स वैक्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू द कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन सेवरल वैक्सीस सचेस बिजवैक्स ओजेकेराइट कैंडेलिला वैक्स स्पर्मासेटी एंड कैरेसिन वैक्स आर यूज इन कॉस्मेटिक तो वैक्स क्या करता है एक तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि समझो कि आप बना रहे हो कोई लिपस्टिक प्रिपरेशन तो लिपस्टिक का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वैक्स का सेम आप कोई ऐसी क्रीम बना रहे हो तो क्रीम के अंदर जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करके जो आपको उसका मेन ऑयल इन वाटर या वॉटर इन ऑयल टाइप का जो स्ट्रक्चर तैयार करना है उसके लिए भी ये वैक्स मटेरियल काफी जरूरी है सेम फॉर द लोशन एंड अदर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो इट इज द मेन चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ ए कॉस्मेटिक्स अब कॉस्मेटिक बनाते हो तो उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट जरूरी होता है वो है ह्यूमेक्टेंट तो ह्यूमेक्टेंट का रोल क्या है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं सो अ ह्यूमेक्टेंट इज ए कॉमन मॉइस्चराइजिंग एजेंट फाउंड इन लोशन Shampoos एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स used फॉर योर स्किन एंड हेयर कि जो हम हेयर एंड स्किन के लिए जितने भी अलग अलग कॉस्मेटिक preparations यूज करते हैं तो उसके अंदर ये जो humectants होते हैं उसका रोल होता है एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट कि humectants क्या प्रोवाइड करते हैं मॉइस्चर और मॉइस्चर की जरूरत कब होती है कि जब आपकी प्रिपरेशन ड्राई हो जाती हो ओके okay? So, आपकी प्रिपरेशन ड्राई ना हो उसके लिए ऐड किए जाते हैं मॉइस्चराइजिंग एजेंट और जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है उसको कहा जाता है ह्यूमेक्टेंट तो कई बार वाइवा के अंदर भी ये पूछा जाता है कि डिफाइन ह्यूमेक्टेंट गिव द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमेक्टेंट तो आपको ये अच्छे से याद रखना है आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग देयर अदर प्रॉपर्टीज दे आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रिटर्न मॉइस्चर वाइल ऑल्सो प्रिजर्विंग द ओवर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एट हैंड जब तक आप उसको यूज करते हो वो प्रोडक्ट को तब तक उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो प्रिजर्व करता है एंड ऑल्सो द ओवरऑल प्रॉपर्टीज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड उसका जो मेन चीफ रोल होता है टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो कोई भी आपको वाइवा में पूछे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाए आप या फिर आप थियरी में लिख रहे हो तो आपको ये पॉइंट खास मेंशन करना है और याद रखना है कि ह्यूमेक्टेंट का रोल होता है एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट और उसको ऐड किया जाते हैं टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ एनी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो सिंपल अब दे आपको उसका बेसिक पता चल गया कि वॉट इज द बेसिक रोल ऑफ दिस ह्यूमेक्टेंट इन ए कॉस्मेटिक अब जानते हैं उसके एग्जाम्पल्स के बारे में तो ये एक आपके लिए मोस्ट आई एम पी टेबल हम कह सकते हैं कि जो आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम। तो ह्यूमिक टन की जो इनऑर्गेनिक टाइप के ह्यूमिक टन प्रिपरेशन से कि जो है एक कैल्शियम क्लोराइड नॉट यूज नाउ ड्यू टू द कम्पेटिबलिटी प्रॉब्लम सो इनऑर्गेनिक कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है बट उसके अंदर ये जो कैल्शियम है तो उसके कारण क्या होता था कई अलग अलग जो कॉस्मेटिक के साथ वो रिएक्शंस uh, करता था उसकी इंप्यूरिटीज uh, आते थे एंड चिलेटिंग भी हो जाती थी कई बार जिसके कारण प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस होते कि जिसके कारण कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब यूज नहीं किया जाता है बट एज ए इनऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट आपको ये एग्जाम्पल खास याद रखना है कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फिर अब मेटल ऑर्गेनिक ह्यूमेक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रीफरेबल है लाइक सोडियम लैक्टेट विच इज़ यूज इन ए सनस्क्रीन लोशन की जो हम सनस्क्रीन लोसन बनाते हैं सनस्क्रीन बनाते हैं सनस्क्रीन क्रीम भी आती है लोशंस भी आते हैं तो उसके अंदर जो ह्यूमिक है वो है सोडियम लैक्टेट उसके बाद जो ऑर्गेनिक ह्यूमिक वाइडली यूज किया जाते हैं और वो आपको पता है कि आप लैब में कई बार ग्लिसरीन ऐड करते हो क्या आप कोई लिनिमेंट बनाते हो सिंपल कोई लोशन की समझो कि के आपने कैलेमाइन लोशन खास बनाया होगा ड्यूरिंग द सेमिस्टर वन ओके फर्स्ट ईयर के दौरान आपने फार्मास्यूटिक्स के अंदर कैलेमाइन लोशन बनाया होगा और ये जो कैलेमाइन लोशन के अंदर आप एक इंग्रेडिएंट ऐड करते थे ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल तो उसका रोल क्या रहता था, था? ह्यूमिकटन क्योंकि आपकी जो कैलेमाइन लोशन की जो प्रिपरेशन है वो ड्राई ना हो जाए उसके लिए आप खास ही ऐड करते थे ग्लिसरॉल तो जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले इंग्रेडिएंट्स है लाइक सोर्बिटॉल है मैनीटॉल है ग्लूकोज है प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथिलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स है वो है ऑर्गेनिक टाइप ऑफ ह्यूमेक्टेंट एंड दे आर द मोस्ट वाइडली यूज ह्यूमेक्टेंट इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन कि जितने भी हमारे अभी की जो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन से अदर देन सनस्क्रीन लोशन तो वह सभी के अंदर चाहे ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है सॉर्बिटॉल ऐड किया जाता है मैनीटॉल ग्लूकोज पॉलिथिलन ग्लाइकोल या फिर प्रोपिलीन एज अ ह्यूमेक्टेंट तो ये तीनों एग्जाम्पल खास याद रखने हैं समझो कि पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमेक्टेंट यूज इन सनस्क्रीन लोशन तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल सोडियम लैक्टेट कि सोडियम लैक्टेट इज ओनली वन हमने जान लिया अब जानते हैं सरफेक्ट के बारे में तो सरफेक्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडियंट है इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन की जिसका काम होता है लोअर वन और मोर बाउंड टेंशन एट द इंटरफेस इन द सिस्टम अब सरफेक्टंट का रोल होता है टू रिड्यूस द सर्फेस टेंसन रिड्यूस द सर्फेस टें आप सेमिस्टर टू या थ्री से पढ़ते आए हो फिजिकल फार्मेसी के अंदर फिजिकल फार्मेसी में आपने सरफेस टेंसन मेजरमेंट के भी प्रैक्टिकल किए हो गए कि बायिंग द स्टेलेक्मोमीटर तो जब भी आपको कोई भी लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज करना हो तो हम एड करते हैं उसके अंदर अलग अलग सरफेक्टें सो सरफेक्टेंट का रोल होता है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ एनी सिस्टम वन कॉमन फीचर ऑफ द सर्फेक्टेंट इज दैट दे आर ऑल देखिक्यूल कंटेनिंग ए हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट की जिसके पास एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है सो वो उसका मेन रीजन क्या है सरफेस टेंशन डिक्रीज करने का टू इमार्ट द फंक्शन लाइक डिटर्जेंसीड्यूस करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं तो एक तो हमें प्रोपर डिटर्जेंसी प्रोवाइड करती है देन प्रॉपर वेटिंग होता है फॉर्मिंग क्रिएट होता है इमेंसीफिकेशन एंड सोल्यूबलाइजेशन तो डिटर्जेंसी फॉर्मिंग वेटिंग समझो कि आपका जो ये हैंड है वो अच्छे से समझो कि वेट होगा तो ही आपकी ये जो प्रिपेरेशन है वो आपके आ, हैंड ऊपर क्या क्रिएट करेगी फॉर्म क्रिएट करेगी अब फॉर्म क्रिएट करेगी तो ही अच्छे से डिटर्जेंसी प्रोड्यूस होगी एंड आ, जो इमल्सन आपको बनाना होता है कि ऑयल इन वाटर इमल्सन क्रिएट कर रहे हो या फिर वाटर इन ऑयल तो उसके अंदर भी ये जरूरी होता है कि जो ऑयल इन ऑयल एंड वाटर एंड वाटर एल ऑयल के बीच में सरसेंसन सरसे रिड्यूस होके एक प्रकार के एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं जिसको हम कहते हैं इमल्सन इमल्सन के अंदर हम ऐड करते हैं वेरियस इमल्सिफाइंग एजेंट तो उसका भी रोल होता है टू स्टेबिलाईज दैट सिस्टम एंड सोल्यबलाइजेशन सोलबलिटी इंक्रीज करवाने के लिए भी जरूरी होता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो और अच्छे से आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है इजीली उसके अंदर डिजोल्व हो जाए तो सर्फेक्टेंट का रोल होता है रिड्यूस द सरफेस टेंशन एंड टू प्रोवाइड द वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक डिटर्जेंसी वेटिंग फॉर्मिंग इमल्सिफिकेशन एंड सोल्यूबलाइजेशन इन ए कॉस्मेटिक्स सो अब आपको याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल आईएमपी uh, नहीं पर वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्लासिफिकेशन ओके कि बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है रिगार्डिंग द सर्फेक्टेंट फॉर कॉस्मेटिक तो सबसे पहले आपको याद रखने हैं एनायोनिक सरफेक्टेंट कि जिसके अंदर आते हैं फैटी एसिड के सोप्स अल्काइल सल्फेट्स होते हैं अल्काइल सल्फोनेट्स होते हैं पॉलिथिल ग्लाइकोल के एस्टर अल्काइलिथर सल्फेट्स टोरिंस एंड सार्कोसाइनेट्स तो ये आपको याद रखने हैं एज अनायोनिक अब कैटायोनिक के अंदर है अल्काइल ट्राई एमोनियम सॉल्ट सो अब एक आपको याद रखें जितने भी कैटायोनिक्स है वो सब सॉल्ट है ओके okay? कि अल्काइल ट्राई एमोनियम तो वो भी एक सॉल्ट है डाई एल्काइल डायमिथल एमोनियम इट इज ऑल्सो द सॉल्ट देन एल्काइल एंड तो आपको इजी याद रखने के लिए अब आपको फाइंड करने के आयोनिक सरफेक्टेंट कौन सा होगा तो जितने भी सोल्ट वाले होंगे वो आपको याद रख लेने हैं कि दे आर द कैटायोनिक सरफेक्टेंट नेक्स्ट जानते हैं रिगार्डिंग द नॉन आयोनिक नॉन आयोनिक के अंदर एग्जाम्पल है अलकेले अल्केनोलामाइट्स अल्काइल पॉलीग्लाइकोल इथर थार्स अल्काइल पॉली इथल एमाइड्स तो नॉन आयोनिक के अंदर कौन से एग्जाम्पल है तो सब एमाइड है देखिए आप एमाइड इथर ओके तो एमाइड और इथर जो भी है वो सब है नॉन आयोनिक एंड एम्फोलाइटिक के अंदर है बिटेन्स एल्काइल इमिडाजोल एंड एसाइल पेप्टाइड। तो ये आपको याद रखने हैं डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट फिर से एक बार देख लो कि जो आयोनिक को आपको याद रखने के लिए कोई ट्रिक है तो वो है खासकर वो सब एस्टर है ओके आ, कुछ फैटी एसिड्स है एंड सल्फेट से, सल्फोनेट्स सल्फेट तो वो सब है एन आयोनिक जितने भी सॉल्ट है वो है कैटायोनिक फिर जितने भी एमाइड्स है एंड ईथर है वो है नॉन आयोनिक और उसके जो उसके बाद जो बच जाते हैं कि समझो कि इमिडाजोलिन है बिटन है एसएल पेप्टाइड वो वगैरह एम्फोलाइटिक सो रेगुलर रिविजन करिए रिविजन करने से ही ये क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी क्लासिफिकेशन है, है इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन ए वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन so जो हमने डेफिनेशन पढ़े क्लासिफिकेशन पढ़ा एंड इनग्रीडियंट लाइक वॉटर ऑयल फैट वैक्स ह्यूमेट एंड सरफेक्ट के बारे में हमने पार्ट वन लेक्चर में डिटेल में हमने स्टडी की है अब जो पार्ट टू होगा कॉस्मेटिक्स uh, का उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द प्रिजर्वेटिव परफ्यूम्स हर्बर ऑल प्रांट मटेरियल विच आर यूज इन कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन फंक्शनल रॉ मटेरियल ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शनल रॉ मटेरियल विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन फिर परफ्यूम्स का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है प्रिजर्वेटिव का डिटेल क्लासिफिकेशन पूछा जाता है देन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द हर्बर ऑल प्रांट मटेरियल विच आर यूज इन ए कॉस्मेटिक प्रिपेरेशन एंड एट लास्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज ए कलर एंड पिगमेंट्स तो ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन्हें पार्ट क्योंकि तो जो हम ग्रीन कलर से ये जो बताया है वो सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इन्हें पार्ट टू वीडियो लेक्चर ऑफ दिस कॉस्मेटिक प्रिपरेशन सो टिलइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एन विडियो ऑफ फार्मारोक्स ऑल्सो यूज फार्मारोक्स मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप्स send your name city name and whatsapp it to 9426180836 to join Pharma Rocks whatsapp groups for more details you can also contact to mr amar Rawal, owner and founder of Pharma Rocks, the way of success on his personal whatsapp number 9016312020 so good luck and all the best for your exam preparation